गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. व्हाई डू वी एक्सप्लोर. पेज नंबर 27. स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम जो है एक्सप्लोर क्यों करते हैं और किन जिन जिन जो ने किया उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हासिल करेंगे. अच्छा जी, आप स्टूडेंट, आप क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू वी एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर क्यों करते हैं. ह्यूमन जो है शुरू से वो क्यूरियस, सबसे तजस्सुस था कि वर्ल्ड के जो है वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में, अराउंड और यानी कि दुनिया के इर्द गिर्द के बारे में जानने के बारे में, जानना जो था कि जानने के बारे में वो क्यूरियस था. कुछ अर्ली ट्रैवलर जो थे वो सिंपली वांटेड, कुछ जो ट्रैवलर्स थे वो जो थे वो दुनिया के बारे में कुछ जानने के लिए, कुछ दुनिया के बारे में जानना चाहते थे, और कुछ जो है वो दौलत को सर्च करते थे, और जो लैंड में जैसे कि मिनरल्स, ऑयल, स्पाइसी और बहुत अदर सोर्सेज है उसके बारे में जानना चाहते थे. अब हम उन लोगों के बारे में, फेमस एक्सप्लोरर और नेविगेटर के बारे में पढ़ेंगे. इनमें से सबसे पहले है आपके पास इब्ने बतूता. मोहम्मद इब्ने बतूता जो था वो मोरक्कन स्कॉलर यानी कि सुदागर स्कॉलर था, ट्रैवलर्स था, ठीक है. और ये अपने ग्रेटेस्ट ट्रैवल के तौर पर जाना जाता था प्री मॉडर्न टाइम्स में. इस ये 1304 में ही पैदा हुआ, ठीक है, तैनीगर में. उसके बाद इसकी जो फैमिलीज थी में जो थी वो ज़्यादातर जजेस थे, लेकिन ये इसने जो है वो ट्रैवल और स्टडी रिलीजियंस को फोकस दिया, और ये स्टडी रिलीजियंस के बारे में जानना चाहता था, ठीक है. 21 एज में ये सबसे पहले जो था इसका ट्रैवल, जो इसका आगाज़ हुआ था वो 21 एज में हुआ था, जहाँ पर यह मक्का और सऊदी अरबा गया था. उसके बाद ये जो है डिमार्कस इन सीरिया के, सीरिया जब आपको पता है शाम को कहते हैं, डिमार्कस में गया. उसके बाद इजिप्ट में, फिर व्यू ट्यूनिस एंड ट्रिपोली में. अच्छा, इसको ट्रैवलिंग का जो इसका पैशन था वो क्या चाहता था कि वो चाहता था कि वो दुनिया की मुक्त जितना हो पॉसिबल हो सके वो दुनिया को देख सके, दुनिया की प्लेसेस, दुनिया की जगहों को देख सके. इजिप्ट से जो है ये टर्की गया, इराक, ईरान, ओमन एंड पैलेस्टाइन में. अच्छा, इसने ही ट्रैवल आफ्टर डिफ़िकल्ट रूट्स, एंड इसके बहुत से इसके रूट्स में जो है ट्रैवल करते हुए मुश्किल का सामना करना पड़ा. फाइनली क्रॉसिंग द अफगानिस्तान एंड हिंदूकश माउंटेन रेंज एंड अराइव इन इंडिया, ठीक है. अब इब्ने बतूता ने इंडिया में कुछ साल जो है वो गुजारे. उसके बाद वहाँ के जो सुल्तान था, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, उसने इसे चाइना जाने का हुक्म दिया. अब चाइना जाने का जो जर्नी था इसका बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे इसके काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया था, ठीक है. उसके बाद जो थे इसके जो लोकल वहाँ पे मकामी लोग थे वहाँ पे, उनको शिप में, इसकी शिप में उसे बहुत नुकसान पहुँचा. अब इब्ने बतूता क्या था, वो अफेयर्ड हो, ठीक है. अब इसे इब्ने बतूता जो था वो डर गया था कि सुल्तान जो है इससे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए तो ना तो वो इंडिया गया और ना ही वो चाइना गया, बल्कि वो जो है मालदीव्स में, इसने जो है मालदीव ने जो है वो बस गया. माइल्स से बोलना दोबारा. मोस्टली जो था वो रास्ता था वो सी का था और 40 नेशंस थे, ठीक है. ये जो है अब बेटा इसमें उसमें कहते हैं कि इसको मुश्किलात में बहुत सी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा था, और इसकी जो ये जो इसकी जो डेथ थी वो तंगियर में हुई थी 1368 to 69. बेटा सेम एज इट इज़ वास्को डे गामा है. आप यहाँ पे भी जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों में उन्होंने ट्रैवल किया था, इन इस जगहों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. वास्को डे गामा, लेकिन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. वास्को डे गामा का वो पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर था, ठीक है. पुर्तगीज़ जो है वो क्या है, पुर्तगाल के रहने वाले लोग थे, एक्सप्लोर था, ठीक है. ये साइंस पुर्तगाल में पैदा हुआ, पुर्तगाल की जगह साइंस में, ठीक है. 1460 में ये अपने बाप, ये बाप की तरह इसने भी जो एक्सप्लोर का जो है वो डिसाइड फैसला किया कि वो भी एक्सप्लोर बनेगा, ठीक है. ये पहला पुर्तगीज़ और यूरोपियन था जिसने जो सी टू इंडिया, जिसने इंडिया में एक जो है वो रूट बनाया था. बट इससे पहले मैं मज़ीद आपको रीडिंग करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली में जो वास्को डे गामा का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था, इसने समंदरी रूट बनाया था, ठीक है. समंदरी रूट इसकी ये डिस्कवरी थी जो एशिया में, इसने क्या किया था कि पुर्तगाल को एस्टैब्लिश किया था एक लॉन्ग लास्टिंग कॉलोनियल एम्पायर इन एशिया, यानी कि एशिया में एक बहुत बड़ा समंदरी रास्ता बनाया था ताकि ये वहाँ हो गया क्या. अच्छा, जो इसकी डिस्कवरी थी कि उसने एक सी रूट बनाया था, इन एबल टू पुर्तगीज टू इस्टेब्लिश अ लॉन्ग लास्टिंग कॉलोनियल एम्पायर इन एशिया,
ठीक है, एक जो है सी रूट बनाया था ताकि एक सी रूट बनाया उन्होंने जिसमें पुर्तगीज ने एशिया में एक लंबे अरसे तक हुकूमत की, ये इसका मेन काम था ठीक है वास्को डी गामा का। इसके बाद इस टॉपिक में जहाँ जहाँ जिन जगहों में पहुँचा ही रीच केप वर्ड आइसलैंड पेसेंटा हेलैंड बे में, इसके बाद सोन इसी तरह वो मोजाम्बिक में पहुँचा सोन इब्रा। यहाँ पर आपने जस्ट इसके मुल्कों के नेम देखने जहाँ जहाँ वो पहुँचा। इसके बाद जब वो लिप्सन में वापस लिप्सन में रिटर्न हुआ तो उसका बहुत गर्म जोशी से उसका इस्तकबाल किया गया था क्योंकि ये वो वाहिद पर्सन था जिसने सी रूट बनाया था। इसके अलावा जो इसके दो मेन और वे थे वो क्या थे, वो स्पाइसेस थे कि इंडिया में थे, इंडिया में स्पाइसेस मार्केट थी। इसने क्या किया था, स्पाइसेस एंड अदर प्रोडक्ट अवेलेबल इन इंडिया वर न्यू टू यूरोपियन, जो इंडिया में स्पाइसेस थी वो उसने यूरोप में उस पर मुतारिफ रहे नए स्पाइसेस थे जिसकी वजह से ग्रेट बेनिफिट टू पुर्तगीज इकोनॉमी, जिससे क्या वो स्पाइसेस से जो पुर्तगीज की इकोनॉमी थी उसको बहुत फ़ायदा हुआ। इसकी डाइट जो थी क्योंकि इंडिया में ये बीमार हो गया था और फिर दिसंबर में 24, 1520 में ये चौचन में उस वक्त में ये जगह से दफनाया गया था। पहले तो इसे चौचन में दफनाया गया, उसके बाद इसको दोबारा जो है ना इसकी बॉडी को वास्को डी गामा को रीब्रिट किया गया विडिग्योरा में इन द कैस्केड डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड ज्वेलरी, तो इसको गोल्ड और ज्वेलरी से क्या किया था डेकोरेट किया गया। तो मार्को पोलो जो है वो मर्चेंट और एक्सप्लोर था ठीक है और राइटर था। ये वेनिस में जो है पैदा हुआ था इटली इन 1254 में। इसके पेरेंट्स जो थे वो रिच मर्चेंट थे ठीक है। ये फर्स्ट यूरोपियन था जो इसने ट्रैवल किया था टू एशिया ड्यूरिंग द मिडल एजेस में ठीक है। इसके चाइल्डहुड में ही इसके पेरेंट्स जो थे, इसका जो चाइल्डहुड था वो उसके विदाउट पेरेंट्स था क्योंकि इसकी मदर जो है वो इस जब वो यंग था तब ही इसकी डेथ हो गई थी, बच्चा था यानी। और जिसके इसके फादर थे वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे। हिज फादर निकोलो एंड अंकल मेफिलो पोलो बींग सक्सेसफुल ज्वेल मर्चेंट, ये कौन से ज्वेल मर्चेंट्स थे ठीक है। इन्होंने अब इसने अपना ज़्यादातर इन्होंने टाइम जो है वो अबोर्ड यानी कि बाहर गुजारा। मार्को पोलो स्टार्टेड हिज जर्नी टू एशिया इन 1270 विद हिज फादर, अपने फादर और अंकल के साथ इसने अपनी जर्नी 1271 जो है में स्टार्ट की ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट जर्नी थी वो किस में थी, कहाँ थी, चाइना में। ये अपने बाप की तरह ही मर्चेंट था अपने बाप और अंकल की तरह ठीक है। और अच्छा बेटा 1271 और 1295 के दरमियान यानी कि 24 ईयर्स में इसने अपनी ट्रैवल अपनी फैमिली के साथ की थी। और इसके बाद इसकी जो जर्नी थी ये इसने भी यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सफ़र भी किया और रिहाइश भी ठीक है। इसके बाद इसने ट्रैवल किया चाइना आफ्टर क्रॉसिंग मैनी सिटीज गोबी डेजर्ट हिंदू कश माउंटेन। और किंग ऑफ चाइना एट द टाइम वाज कुलबाई खान ठीक है, हु मेड पोलो हिज रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा वहाँ का जो किंग था किंग ऑफ चाइना जिसका क्या नाम था कुलबाई खान, उसका ये जो मोरो पोलो था वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है वहाँ पे काम किया। इसने अपने 70 ईयर जो थे उसने चाइना में स्पेंड किए। उसके बाद ट्रैवलिंग एंड लर्निंग अबाउट उसने ट्रैवल भी किया और चाइना के कल्चर के बारे में उसने लर्निंग यानी कि उसको मज़ीद नॉलेज हासिल किया ठीक है बेटा। उसके बाद वो कहता है कि उस वक्त चाइना जो था वो एक रिच कंट्री था ठीक है। मार्को और ये जो मार्को पोलो था ये चाइना से बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस था उसकी दौलत में और उसकी खुशहाली में ठीक। उसके बाद 24 ईयर्स 1271 में इसने अपने होम में वापस रिटर्न किया और जर्नी ऑफ वेनियस टू हिम ईयर्स ही इसने भी एक बुक लिखी जिसका नाम था ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, जिसमें इसने डिस्क्राइब किया था अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस। और ये डाइड हुआ था 1324 में। नील आर्मस्ट्रांग जो था वो बेटा वो तमाम एक्सप्लोरर से डिफरेंट था क्योंकि बाकी सब ने तो अर्थ में कुछ ना कुछ डिस्कवरी की थी, ये वो वाहिद पर्सन था जो जिसने मून पे पहला कदम रखा था ठीक है। और इस ये जो है वो 5 अगस्त 1930 में ओहियो में पैदा हुआ। इसने अपनी वर्किंग का स्टार्ट की थी NASA, ये इसका जो है मुहाफ़े पूरा नेम है। आफ्टर गेटिंग हिज बैचलर, अब इसने अपनी बैचलर डिग्री जो है बैचलर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में और देन मास्टर इसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किया यूनिवर्सिटी ऑफ कौन सी थी साउथर्न कैलिफोर्निया।
अपना उसने करियर जो है वो नेवल एविटर, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के तौर पे, फिर टेस्ट पायलट, फिर एस्ट्रोनॉट के तौर पे किया, ठीक है। डिफरेंट 200 डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट में से सफ़र किया, ठीक है। अब जो इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी स्पेस पे वो 1966 में थी, और उसमें जो उस मिशन का जो उसने कमांड किया, उस मिशन का जो नेम था वो जेमिनी 8 था, ठीक है। 1969 जुलाई में कमांडर इसने अपने मिशन में एज अ कमांडर के तौर पर अपोलो में काम किया, और वो क्या था, विच लैंडेड ऑन द मून, यानी कि जिसमें इसने इसका मिशन क्या था कि मून में लैंड होना है, ठीक है। अब इसने जो थी नील आर्मस्ट्रांग ने अपने दो कमांडर पायलट जिसका नाम मिचेल और पायलट बस था उसको कमांड किया, उन्हें हुक्म दिया था, और 20 जुलाई 1969 में इसने मून मैन, ये वो पहला शख्स था जिसने मून की सरफेस पे कदम रखा था। उसके बाद वहाँ कदम रखने के बाद इसने कुछ सैंपल्स कलेक्ट किया और वहाँ पे 21 यानी कि 21 घंटे तक वहाँ तक कायम किया, और उसके बाद उसका नेक्स्ट मिशन था कि वो अर्थ में वापस रिटर्न हो जाए, और 21 घंटे के बाद उसने 24 जुलाई को जो है अपना मिशन स्टार्ट किया अर्थ में वापस आने का। वापस आने के बाद इसने अपना जो करियर नेक्स्ट स्टार्ट किया था वो प्रोफेसर बन गया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी में, ठीक है। इसका जो जर्नी था बेटा मून पे, एक्चुअली में ये यूनिवर्स के नॉलेज के डेवलप के बारे में जो है मज़ीद जो है जानना इंफॉर्मेशन देना चाहता था, ये इसका जर्नी था, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले थे 17 कंट्रीज से कॉन्फ्रेंस, इसको जो थे इसको मेडल्स मिले, ट्रॉफीज मिली, अवार्ड मिले थे, और ये जो है 25 अगस्त 2012 को जो है पास हुए यानी कि गुजर गए। बेटा इस टॉपिक में जस्ट उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि आज भी अर्थ में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो एक्सप्लोर होने वाली हैं, क्या ह्यूमन इसको एक्सप्लोर कर सकता है। फिर आप इसको रीड आउट करें, आपको मज़ीद पता चलेगा। मैंने आपको बेटा चैप्टर में क्या क्या था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जस्ट आप इसकी रीडिंग करें, देन हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे।